हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकुर है और इस वीडियो में मैंने जो एक रिन्यूड मोबाइल मंगवाया है अमेज़ॉन से, अमेज़ॉन रिन्यूड रिफर्बिश्ड मोबाइल जियो फ़ोन जो आईटेल के साथ उनके कोलैबोरेशन के साथ आया था, उसकी अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। बताने जा रहा हूँ कि कैसा है, कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मुझे कोई समस्या आई या नहीं आई। ये मोबाइल मुझे 3190 रुपये में पड़ा है। ओरिजिनली ये करीब 4.5-5 हज़ार का आपको नया मिल जाता है। ये एंड्रॉयड गो एडिशन वाला फ़ोन है, एंड्रॉयड वर्जन शायद इसका 10 है। इसमें कोई सॉफ्टवेयर अपडेट तो आते नहीं। मैं पहले भी एक एंड्रॉयड गो वाला फ़ोन ले चुका हूँ और देख सकते हैं कि इस प्रकार की पैकेजिंग मुझे रिसीव हुआ है। ये सामने अंदर डिब्बा बैठा हुआ है मोबाइल का, अंदर और कुछ भी नहीं है। और आश्चर्य की बात यह है कि मुझे यहाँ पर ओरिजिनल डिब्बा मिला है। आमतौर पर रिन्यूड मोबाइल पर ओरिजिनल डिब्बे नहीं मिलते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। ऊपर उन्होंने एक स्टिकर लगा दिया है कि ये रिन्यूड मोबाइल है, रिन्यूड आईटेल A23 Pro, 8 GB RAM, 1 GB RAM है। बिल दिखा देता हूँ आपको, बिल में वैसे कुछ भी दिख नहीं रहा है। यहाँ ऊपर वारंटी कार्ड रखा है, जो वारंटी मिलती है वो extracover.com से मिलती है, F4Serv Services, जिससे मैंने अपना पिछला मोबाइल मंगवाया था। आप उनसे भी, वेबसाइट से भी और ऐप से भी खरीद सकते हैं। वीडियो देख सकते हैं, उसका भी डला हुआ है। एक्सपीरियंस थोड़ा ख़राब रहा था। उसके बाद उनका दोबारा कॉल आया मेरे पास सर्वे लेने के लिए, तो बोल रहे थे कि हम अपनी सर्विस को ठीक करेंगे। इस मोबाइल में सील्ड बैटरी नहीं आती है, बैटरी आपको लगानी पड़ती है। और मोबाइल की वेट से ही मुझे समझ में आ रहा है कि बैटरी इसके अंदर लगी हुई है। डब्बे पे आईटेल जियो लिखा हुआ है और ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। और पीछे स्पेसिफिकेशन दी हुई हैं। इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट अगस्त 2021 है। इसकी अन्य स्पेसिफिकेशन, ये 5 इंच का VGA डिस्प्ले है और 2400 mAh की बैटरी है विद सुपर पावर मोड, मतलब इसमें अल्ट्रा पावर सेविंग मोड भी है। और ये इसमें एक अच्छी टेक्नोलॉजी है, मैं इसको काफ़ी समय से यूज़ कर रहा हूँ, तो इसका मैं आपको पहले से एक रिव्यू दे सकता हूँ। उससे पहले आपको बताता हूँ, ये ड्यूल सिम प्लस मेमोरी कार्ड है और इसको चालू करने से पहले आपको एक मेमोरी जियो की सिम होनी आपकी बहुत ज़रूरी है, वरना ये फ़ोन चालू नहीं होगा। इसमें एक अच्छा फीचर ये है कि आप इस, मतलब ये आप ऑटो डिस्कनेक्ट हो जाता है यदि फुल चार्ज होने पर, तो ये एक अच्छा फीचर है। लेकिन जो उसकी चार्जिंग स्पीड है वो बहुत 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 स्लो है, मुझे इसको चार्ज करने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। इसमें फेस अनलॉक है और एंड्रॉयड 10 है गो एडिशन वाला। ये डुअल 4G मोबाइल है, मतलब इसमें 2 जियो सिम लगाई जा सकती है और 32 GB का मेमोरी कार्ड एक्सपेंड किया जा सकता है 32 GB मेमोरी कार्ड तक। फिजिकली इस फ़ोन में एक भी स्क्रैच नहीं है, ना ही स्क्रीन में, ना ही कुछ आगे पीछे कहीं पर भी। मैं इस फ़ोन को काफ़ी अभी यूज़ कर चुका हूँ और बाद में इसका वीडियो डाल रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस फ़ोन को बूट होने में 13-14 सेकंड लगे हैं। मैंने यहाँ पे कट मारा है एक वीडियो में। और जैसा कि आप मैसेज पढ़ सकते हैं कि डिवाइस लॉग है, आपको जियो सिम डालनी पड़ेगी इसको चालू करने के लिए, तो मैं पहले ही डाल चुका हूँ। मेरी इस जियो सिम में रिचार्ज नहीं है, तो बिना रिचार्ज के भी ये फ़ोन चालू हो जाएगा। फ़ोन
रीसेट सेट नहीं करना पड़ा, ऑटोमेटिकली रीसेट करके ही दिया गया, पूरा सेट करके ही दिया गया है। तो आप इसको बाद में रीसेट मार सकते हैं। और फ़ोन की कंडीशन देख के ऐसा लग रहा है कि बस किसी ने खोला है और निकाल के वापस डाल दिया है, इतनी नई कंडीशन में है। डिस्प्ले ठीक ठाक ब्राइट है, 50% पर इतना ब्राइट नहीं लगता, लेकिन 70-80 पर जाते हैं तो पर्याप्त ब्राइट हो जाता है। 5,000-5,500 रुपये का फ़ोन है और मुझे तो 3,000 में मिला है, रिन्यूड के हिसाब से काफ़ी सही है, कंडीशन भी ठीक है। इसमें 1.4 GHz का क्वाड कोर प्रोसेसर है और 1 GB रैम 8 GB रोम है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये फ़ोन अन्य फ़ोन की तरह लैगी नहीं है, इसका जो UI है वो थोड़ा स्मूथ है। इनिशियली थोड़ा सा स्लो चल रहा था, लेकिन उसके बाद मैं इस फ़ोन को यूज़ कर रहा हूँ तो UI लैगी नहीं है, चूँकि ये एंड्रॉयड गो एडिशन पर है इसलिए, तो UI लैगी नहीं है। और इसमें जो लोगों के डाउट रहते हैं एंड्रॉयड गो एडिशन के संबंध में, वो मैं आपको बता दूँ कि इसमें गो एडिशन की ऐप सपोर्ट करती है, लेकिन यदि आप चाहें तो इसमें नॉर्मल ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं। YouTube गो अब डिसकंटिन्यू हो चुका है, तो इसमें YouTube की नॉर्मल ही ऐप डली हुई है। और देख सकते हैं इसमें पहले भी किसी ने इस्तेमाल किया था इस फ़ोन को, तो ये पिछले ऐप खुली हुई हैं, इन ऐप्स को मैंने नहीं खोला है। इसका स्पीकर भी काफ़ी लाउड है, ये जो रिंगटोन बजी है वो मैसेज आ रहे हैं। मैं आपको सुझाव दूंगा सेटिंग्स में जाके, एप्लीकेशन में जा करके इसकी जो सारी ऐप हैं, जितनी भी अनवांटेड ऐप्स हैं, एक एक ऐप को आप जा करके डिसेबल और फोर्स स्टॉप कर दीजिएगा, उससे परफॉर्मेंस और बेहतर हो जाएगी। मैंने इसकी सारी जितनी भी प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स हैं उन सबको मैंने डिसेबल कर दिया है, क्योंकि ये फ़ोन मेरे लिए नहीं है, मैंने दुकान पर रखने के लिए इसको ख़रीदा है। यदि आप मुझसे पूछेंगे कि क्या उनको ख़रीदना चाहिए, तो आप बिल्कुल अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो अपने या फिर जो अपना पहला एंड्रॉयड फ़ोन लेना चाह रहे हैं, आप उनको ख़रीद सकते हैं। जो जियो फ़ोन 3 आया उससे तो बहुत ही बेहतर है, एंड्रॉयड गो आप लिया जा सकता है। मेरा इसमें आपको बिल्कुल यस रहेगा कि आप मेरा सुझाव यदि आप मांगेंगे तो मैं बोलूँगा कि आप ले सकते हैं, लेकिन एक हार्डकोर के लिए नहीं है, बिल्कुल पहला जिनका फ़ोन है उनके लिए है, बेसिक यूज़र्स के लिए, जिनको कॉल मैसेज और यूट्यूब और व्हाट्सएप वगैरह थोड़ा बहुत करना है, केवल उनके लिए ही ये फ़ोन है। इसमें जो चार्जिंग होती है वो ऊपर की तरफ होती है, चार्जिंग स्लॉट ऊपर की तरफ है, ना कि नीचे की तरफ। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इस फ़ोन को मैं काफ़ी समय से इस्तेमाल कर चुका हूँ, तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ अनबॉक्सिंग में ही कि इस फ़ोन में कोई भी जरा से भी मुझे कोई समस्या नहीं मिली। इस फ़ोन को मैं लगातार इस्तेमाल कर रहा हूँ और मुझे कोई भी समस्या नहीं मिली। बात करें कैमरे की, तो कैमरा इसका जो रियर कैमरा है वो बहुत ही बकवास है, 2 MP का है लेकिन बहुत ही बकवास है। और आप कैसी भी फ़ोटो खींचेंगे, यदि आप किसी टेक्स्ट की फ़ोटो खींचते हैं तो हल्की सी ब्लरी आएगी, आप नॉर्मल फ़ोटोज़ खींच सकते हैं, किसी मनुष्य की, किसी ऑब्जेक्ट की आप फ़ोटो खींच सकते हैं। जो फ्रंट कैमरा है वो फ्रंट कैमरा भी 0.3 VGA है, वो फिर भी ठीक है, आप लाइट में खींचेंगे ठीक ठाक लाइट में तो आपकी फ़ोटो अच्छी आ जाएगी, कॉन्ट्रास्ट और जो एक्सपोजर है वो बढ़ा हुआ आएगा, इसमें आप अतिरिक्त सुंदर दिखेंगे, बाकी इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं फ़ोन में यहाँ पर वाईफाई कनेक्ट कर रहा हूँ, इसलिए मैंने इसको ब्लर कर दिया है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये फ़ोन सही निकला, आप इस फ़ोन को कंसिडर कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस, देखने बहुत बहुत धन्यवाद। आगे क्लिप लगाई हुई है, अगर आप चाहें तो देखिए, वरना कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद।